आबू आबू फिर अम्मा संग है आबू है। सो हाय एवरीवन, मैं आपका दोस्त अनित बाग स्वागत करता हूँ फिर से मेरे नए ब्लॉग पे। तो आज का ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाला हूँ दोस्तों कि मेरी बहन पूजा जो है टिटलागढ़ से आई हुई है और उसका तबीयत भी थोड़ा सा ख़राब था और बरगढ़ में उसको चेकअप करवा रहे थे, वहाँ का दवाई भी चल रहा था बरगढ़ का, लेकिन शायद दवाई कुछ दिन का बाद उतना काम नहीं दिया तो इसीलिए फिर झारसुगड़ा लेके आए हैं यहाँ का डॉक्टर चेकअप करवाने के लिए। लेकिन यहाँ का जो डॉक्टर है वो महीना में एक बार आते हैं और ये चीज़ उनको पता नहीं था, तो आज काम तो हुआ नहीं वो लोग उनका, वो रिटर्न चले जाएंगे और फिर किसी दिन आएंगे। तो आज का ब्लॉग पे बने रहिए दोस्तों और वीडियो को पूरा वॉच करिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो को। तो मैं जैसे दोस्तों नल से पानी भरता हूँ वैसे ही गोलू भी पानी भर रहा है अभी उसका घर में। और आज का मौसम यहाँ देख सकते हैं, ये दो दिन थोड़ा सा धूप दिया लेकिन आज का ये मौसम देखिए ये कैसे जो बादल पूरा काला कर दिया है। तो लगता है दोस्तों कि बारिश फिर से आने वाला है, ये देख सकते हैं आप पूरा ऊपर में पूरा काला कर दिया है, ऐसा मौसम बना के रखा है यहाँ पे। और हर रोज़ की तरह दोस्तों मैं भी रोटी लेके आया ये गौ माता को खिलाने के लिए। तो यहाँ पे दो गाय थे तो सबसे पहला वाला को जब मैं दिया तो ये दूसरा वाला फिर आया सामने, वो उसको भी दिया और फिर उसको खिलाने के बाद मैं और थोड़ा सा दोनों को ऐसे आधा आधा करके तीन रोटी पकड़ा था, ये तीनों रोटी दोनों को खिला दिया। और रोटी खिलाने के बाद भी दोस्तों वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे थे, वो मेरे पीछे पीछे ही आ रहे थे दोनों गाय जो है। तो मुझे लगा दोस्तों कि ये टीवी कवर और फ्रिज कवर है लेकिन ये कपड़ा था, बेडशीट कपड़ा सब। तो वहाँ पे पहुँचने का बाद मैं मौसा मौसी आए थे पूजा का चेकअप के लिए लेकिन वो चेकअप का काम तो हुआ नहीं, डॉक्टर जो है वो भुवनेश्वर से आते हैं और लगेगा उनको टाइम लगेगा, अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर से दोबारा आएंगे यहाँ पे चेकअप करवाने के लिए। तो अभी रिटर्न जा रहे हैं दोस्तों, पूजा देखिए ये हाथ मिला के बाय कर दी है और अभी रिटर्न टिटलागढ़ जा रहे हैं और फिर नेक्स्ट टाइम जब वो फ़ोन आएगा तो फिर आके पूजा का जो चेकअप है वो करवाएंगे यहाँ पे मौसा मौसी। तो मौसा मौसी जो हैं दोस्तों वो कल आए थे मामा घर, मामा मेरे को फ़ोन किए थे और कल मैं नहीं जा सका मिलने के लिए उसीलिए आज गया था पूजा से मिलने। तो वहाँ से हम लोग अभी आ चुके हैं दोस्तों मामा घर से, क्योंकि टिटलागढ़ वाला जो मेरा मौसा मौसी है वो मामा घर में ही रुके हुए थे तो उनका विदाई करने के बाद मैं हम लोग भी रिटर्न आ गए घर, क्योंकि चावल बैठा दिए थे, चावल हो चुका है और अब जल्दी से फिर आएंगे तो हम लोगों को फिर जो दाल सब्जी है वो भी बनाना था, तो इसीलिए मैं बोला कि चलो चलते हैं और अभी पहुँचे घर हम लोग। तो क्योंकि दोस्तों आज जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा चैनल अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरा हर वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा।